अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बरबट्टी आलू की सब्ज़ी और साथ में सूखी करेले की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने एक पैन चढ़ाया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब इसमें डालेंगे बरबट्टी और आलू और इसको अच्छे से भूनेंगे। साथ ही मैं यहाँ अदरक लहसुन और मिर्च को कूट रही हूँ। और जो बरबट्टी है भून गए हैं बहुत अच्छे से, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं वापस से 1 चम्मच के करीब तेल ऐड किया है। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा, साथ ही सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हींग ऐड किया है और कुटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्च वो ऐड कर देंगे। हल्का सा इसे भून लेंगे और उसके साथ अब हम 1 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। बेसन हल्का सा भून जाए हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच किचन किंग ऐड किया है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब यहाँ पर टमाटर को अच्छे से गलने तक इसको भून लेंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और दही को ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे मसाले के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ बरबट्टी और आलू और टमाटर, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ढक देंगे और लो फ्लेम में इसे पकाएंगे जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैं बनाऊंगी करेले की सूखी सब्ज़ी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच चावल के आटा, साथ ही हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 2 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है उसे पकते हुए 10 मिनट हो गया है, सारा पानी सूख गया है और जो आलू है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और सब्ज़ी इधर तैयार हो गई है। अब हम करेले को भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल ऐड किया है और उसके बाद जो करेले को मिक्स करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। और ये जो करेले हैं इसको ढक ढक के लो फ्लेम में भूनते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे बीच बीच में करेले को चलाती रहती हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ। और ये जो करेले है इसको बनाने में 10 मिनट लग जाएगी। बिना पानी डाले इसको ऐसे ही पकाना है, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। कैसी लगी आज की लंच बॉक्स की रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।